बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर सोशल स्टडी टीचर ऑफ क्लास टू। टुडे अवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर सिक्स, यूनिट नंबर वन, मी एंड माई वर्ल्ड। लेसन नंबर थ्री, दिस इज अवर सिटी। अपने सिटी के बारे में वो कह रहा है, दिस इज अवर सिटी। Now open your social study book and page number 8 के मैंने आप लोगों को difficult words भी लिखवाए हैं और साथ में हमने half page की reading भी की हुई है। जितनी रहती है उससे आगे जो है अब हम reading करेंगे। Now open page number 8। पेज नंबर 8 की रीडिंग जो है हमने स्टार्ट से की हुई है और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं कि कायदे आज़म इज़ बरेड हेयर। यहाँ पर कायदे आज़म जो है कायदे आज़म का मज़ार है और यहाँ पर जो है ये कराची का मनासिर आपको बता रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। देयर आर पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, होटल्स, मॉस्क, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट ग्राउंड्स एंड एन एयरपोर्ट इन आवर सिटी। आमिर जो है और फरा जो अपने सिटी अपने शहर के बारे में कह रहे हैं कि मेरे सिटी में ये है, मेरे सिटी में बड़े और छोटे घर है, मेरे सिटी में टाउन्स हैं। तो इसी तरह जो है अब ये अपने सिटी के पार्क के बारे में बता रहा है, मुख्तलिफ जगहों के बारे में दोनों एक दूसरे को आमिर और फरा बता रहे हैं कि देर आर पार्क्स, यहाँ पर पार्क्स भी है। कहाँ पर? कराची में जो हमारा शहर है, हमारा जो सिटी है, यहाँ पर पार्क्स है, प्ले ग्राउंड खेल के मैदान भी हैं जहाँ पर हम खेलते हैं, हॉस्पिटल अस्पताल भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, होटल भी हैं, मॉस्क मस्जिद भी हैं, रेलवे स्टेशन भी हैं, स्पोर्ट ग्राउंड स्पोर्ट के जो खेल के जो मैदान होते हैं जहाँ पर हम स्पोर्ट खेलते हैं, जहाँ पर हम मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट के ग्राउंड्स भी मौजूद हैं। एन एयरपोर्ट इन आवर सिटी, और हमारे शहर में हमारे सिटी में एक एयरपोर्ट भी है, हवाई अड्डा भी हैं। एयरपोर्ट मीन हवाई अड्डा जहाँ पर हम जहाज़ को खड़ा करते हैं। Most of the houses have electricity। ज़्यादातर houses में जो है electricity जो है बिजली होती है। Most of the houses have electricity। Electricity mean बिजली। Water बिजली भी होती है, water भी होता है and gas और gas भी होती है। ज़्यादातर houses में electricity, water and gas जो है मौजूद होता है। Drains have been built to take away the dirty water। इसी तरह ड्रेन्स जो है जो नकासी है वो भी हमने जो है इस शहर में बनाई है, हमारे शहर में बनी हुई है, जो कि गंदे पानी को जो है ये दूर लेकर जाती है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आज की जो हमारी रीडिंग है, मैं इससे पहले भी जो मैंने आप लोगों को करवाई है अपने सिटी के बारे में, आमिर और फरा बता रहे हैं कि मेरे सिटी में 18 टाउन्स हैं और इसी तरह बड़े और छोटे घर भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, पार्क्स भी हैं, प्लेग्राउंड्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, होटल भी हैं, मॉस्क मस्जिदें भी हैं, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट ग्राउंड एंड एयरपोर्ट और इसी तरह हवाई अड्डा भी जो है हमारे शहर में मौजूद है। और ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस जो है ये भी मुहैया किया गया है और इनके लिए जो है एक निकासी का वो भी बनाया है जो कि डर्टी जो गंदे पानी को लेकर जाती है दूर। Most houses have all amenities। यानी ज़्यादातर हाउसेस को जो है घरों को आल एमिनिटीज़ दी हुई है, यानी उनमें बिजली भी है, गैस भी है और वाटर भी है। ओके डियर स्टूडेंट्स,
आज का जो हमारा रीडिंग के जो टॉपिक था वो पेज नंबर 8 का वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी याद करने हैं और साथ साथ में रीडिंग भी करें ताकि आप लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 9 की रीडिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।